नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बाकी सभी नेताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सब बातें बताई हैं। सबसे पहले माननीय गुलाब जी भाई साहब ने जिस तरह से पूरे मुद्दों को आपके सामने रखा और आपसे उम्मीद की कि उन मुद्दों पर आप तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करेंगे, उसी संदर्भ में सबसे पहले मैं प्रवासी लोगों के बारे में जो बहुत चिंता सब लोगों ने की है, मेरी भी चिंता बहुत ज्यादा है। मैं सोचता हूं कि प्रवासी लोगों के बारे में जितना भी कोई भी आप डिसीजन लें, चाहे भारत सरकार के साथ में मिलकर के लें, चाहे राज्य सरकार डिसीजन ले, लेकिन जितना भी आप डिसीजन लें उसको प्रेस नोट के जरिए स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें, और वो ऐसा प्रेस नोट और ऐसी प्रेस विज्ञप्ति जानी चाहिए जिससे उन प्रवासी लोगों के पास में स्पष्ट निर्देश जो आपके द्वारा जारी किए गए हैं वो सब चले जाएं, जिससे लोग बाग जो भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा भ्रम की स्थिति जिससे लोग रवाना होकर के बॉर्डर लाइन तक आ गए, बॉर्डर पर आ गए, और फिर उनको वहां तीन तीन चार चार दिन तक जो रहना पड़ा वो बहुत दुखदाई था। वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर 9 माह की गर्भवती बहन पुकार रही थी कि मैं कहां जाऊं। निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो ऐसी स्थिति में अब जो भी आप निर्णय लें वो निर्णय आज ही, मेरी प्रार्थना है कि आज ही आप उसको स्पष्ट रूप से सब अखबारों के अंदर, चाहे विज्ञप्ति देनी पड़े चाहे एडवर्टाइजमेंट देना पड़े, लेकिन वो पॉलिसी इन लोगों के सामने जारी होनी चाहिए। दूसरी, मैं सबसे एक छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उन लोगों की पीड़ा भी बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से उद्योग, बड़े उद्योगों के अंदर जो श्रमिक कार्य करते थे वो श्रमिक जब बाहर चले गए, अब वो श्रमिक अपने गांव में जाकर के उनके पास में कोई रोजगार नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वो श्रमिक के पास में कैसा रोजगार होगा, वो क्या काम करेगा, ये भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। वहां पर चाहे उनको मनरेगा से जोड़े, चाहे अन्य कोई कार्य उनको दे करके उनको बिजी रखें, क्योंकि अब वो अपने स्टेट में लौटने के बाद में वापस वहां तक जाने की स्थिति में नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या कामगार लोग हैं, जैसे नाई की दुकान का काम, सैलून करने वाले, हलवाई का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले या अन्य कामगार लोग हैं, उन सारे कामगार लोगों को भी कोई ऐसा आर्थिक पैकेज हमें निश्चित रूप से सोचना चाहिए जिससे हम उनकी मदद कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसके बाद में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, ये महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन के। अब पानी की चिंता, हमको गर्मी आने वाली है। मैं चूरू जिले से आता हूं, चूरू जिले के अंदर पानी की गंभीर समस्या, और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें खारा पानी है, पानी की बहुत समस्या गंभीर है। उसमें हम बात करते हैं एक्सीएन से, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से, तो वो हम लोगों को ये कहते हैं कि ये कुआं हमारे पास में नहीं है, ये हमारे पास में नहीं है, ये उसके तहत चला गया। माननीय बीडी कल्ला जी, जिनके पास में सारे विभाग हैं, उनको कम से कम ये एक अधिकारियों से मीटिंग लेकर के, जो गर्मी का समय आने वाला है उसमें पानी की जितनी गंभीर समस्या है उसको चिंता करने की आवश्यकता है। पानी का लेवल नीचे चला गया, वहां पर बोरवेल खत्म हो गए, तो बोरवेल नए बनवाने हैं, कितने बनवाए हैं, मोटर खराब होगी, एक दिन मोटर खराब हो जाए उसके बाद में 6-6 दिन तक पानी की समस्या से जूझना पड़ता है हमको। ऐसी स्थिति में मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि पूरे राजस्थान में एक बार कंटिजेंसी प्लान के लिए साहब मेरी बात को, उसके बाद में आप बात बता देना, मेरा निवेदन सुन लो। हाँ बोले बोले, मैं गंभीर बिंदु उठाऊंगा, लेकिन उसमें बीच में एक बार मैं माफी चाहते हुए कहता हूँ जी, मेहरबानी। उसमें बिजली, दूसरा, मैंने जब आपने टेलीफोन करके जब पूछा था तो मैंने ये बात कही थी कि आपने 2 महीने का जो बिजली और पानी के बिल को आगे बढ़ाया है ये तो ठीक है, लेकिन आज इस लॉकडाउन के अंदर कोई भी मध्यम वर्गीय या गरीब व्यक्ति या उससे बड़ा भी आदमी इस स्थिति के अंदर नहीं है कि वो बिजली और पानी के बिलों को जमा करा सके। मुझे मालूम नहीं सरकार आप चलाते हैं कहां से पैसा आएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से जनता की आवाज है, आम आवाम की आवाज है कि ये 3 महीने का जो लॉकडाउन का पीरियड अभी चला है, इसको 3 महीने का बिजली और पानी के बिलों को माफ करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। इसके बाद में हम स्कूल के अंदर, दिया सिद्धि कुमारी जी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी कि हमारा शिक्षा का जो ढांचा है वो चरमरा गया है। आज हम क्या व्यवस्था करें कि हमारे बच्चे सही समय का सदुपयोग करते हुए आगे इस शिक्षा को बढ़ाए। ऐसी स्थिति में आप प्राइवेट स्कूल से बात कीजिए, चाहे सरकारी स्कूलों को आप करिए, जो बच्चे हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं वो फीस देने में सक्षम नहीं है उनके माँ बाप,
ऐसी स्थिति में उनके फीस के बारे में भी बात करना चाहिए। जो गंभीर मुद्दा किसानों का है, 2% टैक्स लगा दिया, 1.3% 1.6% था और उसको 3.6% हमने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 100 गुना से भी ज्यादा एक साथ बढ़ गया, ये 2% की बात नहीं है। मेरे रतनगढ़ से मुझे एक ज्ञापन मिला, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो गया, हमारी मंडियां बंद पड़ी है, लोगों ने हड़ताल कर दी है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मंडियों से जुड़ा हुआ सारा का सारा मामला है, उद्योग धंधे जुड़े हुए हैं, जितने भी छोटे उद्योग धंधे हैं या बड़े उद्योग धंधे हैं इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए ये इतना बड़ा भार है कि ये आम आदमी सहन करने की स्थिति में नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर हमें निश्चित रूप से जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक मैं बात और कहना चाहता हूं कि जो गरीब व्यक्ति हैं, उन गरीब लोगों का तो भामाशाह लोगों ने भी ध्यान रखा, हम लोगों ने भी ध्यान रखा, आपने और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब ने ध्यान रखा, लेकिन जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो कहीं भी किसी से नहीं जुड़ा हुआ, वो व्यक्ति कहां जाए? आज वो कमा करके खाता था, ऐसी स्थिति के अंदर न तो वो कहीं मांगने की स्थिति में है और न वो ऐसी स्थिति के अंदर है कि अपने परिवार को चला सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसके अंदर भी ध्यान देते हुए कार्य करें। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने एक चिट्ठी पढ़ी, मेरे पास में एक आदेश आया जिसके अंदर जो राहत सामग्री बांटने का काम करने के लिए आपके यहां से एक डिप्टी सेक्रेटरी के यहां से आदेश निकला, उस आदेश में आपने दो दो कांग्रेस के वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी कि राहत सामग्री बांटने में वो दो कांग्रेस के वर्कर्स हेल्प करेंगे कलेक्टर की। मेरे पास में उस ऑर्डर की कॉपी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सामाजिक संगठन काम करते थे उनको भी जोड़ लेते, या जो दूसरी पार्टी के लोग बाग हैं उनको भी जोड़ लेते। कौन हर विधानसभा क्षेत्र मेरे विधानसभा क्षेत्र के आपके नहीं, हाँ ठीक है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर दो व्यक्तियों के नाम गए थे, मेरे पास में वो ऑर्डर है, मैं ऑर्डर की कॉपी भेज दूंगा। ऐसी ऐसा कोई ऑर्डर निकला ही नहीं है, राजस्थान से निकला कोई ऑर्डर, राजस्थान सरकार के। ठीक है, आपने ये कहा, अच्छी बात है। इसके अंदर मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूं कि इसके अंदर जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, जो स्वयं सेवक काम करते हैं, जो स्वयं अपनी तरफ से जो काम करते हैं, उन लोगों को भी प्रोत्साहित करके, मैं भामाशाह लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की राहत सामग्री। बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे अच्छे पॉइंट रखे।